الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ میری امیدوں کے چراغ اور میرے خوابوں کی تعبیر यंग स्कॉलर्स महतरम खातिन हजरात और मेरे बहुत ही प्यारे नौजवान बच्चों और बहुत ही प्यारी नौजवान बच्चियों असलकम मैंने बच्चों और बच्चियों के लिए बहुत ही प्यारे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ये मैंने सोच समझ कर इस्तेमाल किया है क्योंकि मैंने इसके लिए तीस साल स्ट्रगल किए। है जो आज नौजवान बच्चे और बच्चियाँ अंडर सिक्सटी अंडर थर्टी यहाँ मौजूद हैं मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आज से तीस साल पहले जब आप पैदा नहीं हुए थे जब ये नौजवान बच्चियाँ पैदा नहीं हुई थीं, मैंने उस वक्त सोचा कि जो हम इंडिया पाकिस्तान से आए हैं उनके लिए तो हम काफ़ी हैं मगर जो तीस साल बाद जवान बच्चे और बच्चियाँ आएंगी उनके लिए तो हम मिसफिट हैं हमें उनके कल्चर की समझ नहीं है, हमें उनकी ज़बान नहीं आती है लिहाजा नौजवान बच्चों और नौजवान बच्चियों तुम अभी पैदा नहीं हुए थे मैंने तुम्हारे मुतलक सोचने के लिए नौजवानों का स्कूल कायम किया था ये मेरा ख्वाब था जो मैंने तीस साल पहले देखा कि मैं तीस साल बाद आने वाले जवान बच्चों और बच्चियों के लिए इंग्लिश स्पीकिंग सकालर तैयार करूं लेकिन मैंने ये ख्वाब नहीं देखा था कि अल्लाह मेरे ऐसे शगिर्द भी बनाएगा जो मुझसे अच्छे स्पीकर और मुझसे ग्रेट थिंकर होंगे अभी आपने सुना अल्लामा अरशद मिसबाही साहब इमाम आसिम हुसैन साहब ये किस तरह यहाँ के हालात के मुताबिक अप टू डेट अंदाज में और अप टू डेट जबान में आपसे मुखातब थे और मेरी खुशी की इंतहा है मेरा बेटा बख्तियार हैदर मैंने इसकी कुछ तकरीरें सुनी है मगर कोई भी आधे घंटे से ज्यादा नहीं सुनी है ये जिंदगी में मैं पहली बार उसकी एक घंटा तकरीर सुनी और मुझे एक घंटे में एक जुमला ऐसा नजर नहीं आया जो खानापुरी के लिए हो जो मीनिंगलेस हो हर जुमले के अंदर कोई मैसेज था अल्लाह मेरे तमाम शगिरदों और औलाद के इल्म और अमल के अंदर बरकत नसीफ इमाम आसिम हुसैन ने आयत पढ़ी कौन सी आयत पढ़ी का ला खोलो वाहन अजीम जब मैं इनकी तकरीर सुन रहा था मेरे जहन में एक नया नुकता पैदा हुआ इन्ना का ला अजीम। अला खोलो अला ल जा रहे इस हवाले से मेरे जहन में एक नुकता पैदा हुआ मुझे नहीं याद कि मैंने जिंदगी में पहले कभी वो बयान किया हो इसलिए मैंने चाहा कि उनकी तकरीर में इजाफा करने के लिए शायद मुझे फिर याद ना रहे आज मैं वो नुकता बयान कर दूं इन्होंने कहा पहले मैं ये बता दूं, जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान की तारीफ करता है उसमें कमी बेशी हो सकती है उसमें मुबालगा हो सकता है मगर जब अल्लाह किसी की तारीफ करता है उसमें मुबालगे की गुंजाइश नहीं भाला, 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 हमारी तारीफ में कमी बेशी क्यों होती है इसलिए कि हम 24 घंटे तो उसके साथ नहीं रहते और अगर 24 घंटे रहें तो भी हम उसकी जाहिर की बातें तो जानते हैं दिल की नीयत तो नहीं जानते लेकिन अल्लाह हर इंसान के जाहिर को भी जानता है उसकी नीयत को भी जानता है। जब अल्लाह किसी की तारीफ करता है उसमें किसी मुमालक की गुंजाइश नहीं है और अल्लाह फरमाता है प्यारे इन कल अल अजीम आप अजीम अखलाक के मालिक हैं अजीम ग्रेट ग्रेट किसको कहते हैं कोई ग्रेट की क्वांटिटी मुझे बता सकता है नो ग्रेट की क्वांटिटी मालूम करने के लिए हमें स्पीकर की हैसियत देखना पड़ती है मसलन एक आदमी दस हजार पाउंड से बिजनेस शुरू करता है साल के बाद उससे पूछा जाए क्या प्रॉफिट हुआ है कैसा बिजनेस रहा है वो कहेगा अजीम प्रॉफिट हुआ है ग्रेट प्रॉफिट हुआ है हम गेस्ट कर सकते हैं पांच हजार हुआ होगा क्योंकि दस हजार जो इन्वेस्टमेंट है हम गेस्ट कर सकते हैं दस हजार हो गया होगा इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता लेकिन एक आदमी टेन मिलियन से कारोबार शुरू करता है साल के बाद हम उससे पूछते हैं बिजनेस कैसा रहा वो कहता है ग्रेट प्रॉफिट हुआ अब हम गेस्ट कर सकते हैं जिसने दस मिलियन इन्वेस्ट किया है पांच मिलियन तो प्रॉफिट हुआ होगा तो जिसने दस हजार से शुरू किया उसकी क्वांटिटी प्रॉफिट्स हजारों में है जिसने मिलियंस से शुरू किया उसके अजीम से मुराद मिलियंस हैं अब अल्लाह जब कहता है कि मैंने इसको अजीम खुलक दिया है अब अल्लाह के अजीम से क्या मुराद होगा जिसने हजारों लगाए ठीक है, है हजारों प्रॉफिट है जिसने मिलियंस लगाए मिलियंस प्रॉफिट है अब अल्लाह अजीम कहे वो अल्लाह जो कहता कुल मत दुनिया कली अल्लाह फरमाता है मशरक से लेकर मगरब तक शुमाल से लेकर जनूब तक अर्श मोल्ला से लेकर तक मेरी निगाह में बिल्कुल थोड़ा है वेरी लिटल कलील जिस अल्लाह की निगाह में ये सारी कायनात वेरी लिटल है उसकी निगाह में ग्रेट क्या होगा वो रब फरमाता है इन कलाम प्यारे नबी आप अजीम अखलाक वाले हैं जो नुकता मेरे जेहन में है वो मैं अब बयान करने जा लू ये उसकी तमीद है नुकता अला के अंदर छुपा हुआ है अला हरफ जार है इसका माना होता है ऊपर अंतुम तजल अलल अर्द इसका माना है तुम जमीन के ऊपर बैठे हो जमीन नीचे है तुम ऊपर हो आज ले सो अलल कुर्सी मैं कुर्सी के ऊपर बैठा हूँ कुर्सी नीचे है अला का माना यह है कि वो जिसके ऊपर है सब चीजें उसके नीचे आप ऊपर हैं जमीन नीचे है इला खोलो किन अजीमी रब फरमाता है प्यारे हबीब तेरा जो अजीम खुल्क है तेरा जो अजीम अखलाक है वो भी नीचे है तो उससे भी ऊपर वो अनकाउंटेबल जो तेरा अखलाक है कला खन नज़ीम, वो खोल के नीचे है तो उससे भी ऊपर मुझे जो जोने सुखन बनाने के लिए आयत पढ़ना थी वो ये है लकद का नलकुम फी रसूल उस वत हसन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में उमदा नमूना है गुड एग्जाम्पल है सवाल पैदा होता है अल्लाह ताला ने ते तो फरमाया कि रसूल तुम्हारे लिए नमूना है लेकिन वो किस फील्ड में नमूना है वो किस शोबा में नमूना है मसलन हजरत इब्राहिम और हजरत इसमाहील सलाम ये ईसार और कुर्बानी का नमूना है बाप बेटे को जबह करने के लिए तैयार है और बेटा जबह होने के लिए तैयार है इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम इशारो कुर्बानी का नमूना है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अजीम शान हुक्मरानी का नमूना है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम सब्र जमील का नमूना है अल्लाह तूने नबी आखिर आफिर जमान अलात सलाम को हमारे लिए नमूना बनाया है किस शोबे में नमूना बनाया कोई सबर का नमूना है कोई कुर्बानी का नमूना है कोई हुक्मरानी का नमूना है हमारा नबी किसका नमूना है तूने मुतलब छोड़ दिया है इसका जवाब ये है कि अगर हमारा नबी किसी एक फील्ड में हमारे लिए नमूना होता तो रब उसका जिक्र करता हमारा नबी जितनी किस्म की नेकियां मुमकिन हो सकती हैं जितनी किस्म की खूबियां मुमकिन हो सकती हैं जितनी किस्म के शोबे और फील्ड मुमकिन हो सकते हैं वो हर एक के लिए नमूना है जितने किस्म के शोबे खूबियाँ मुमकिन हो सकती हैं हमारा नबी हर शोबे हर खूबी और हर फील्ड में नमूना है ये तो मेरा दावा है लेकिन मेरा इसके पास सबूत है हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह बयान करते हैं

मोहम्मद सल्ला जबरी आकर अर्ज करता है अय अल्लाह के रसूल अय मोहम्मद सल तुझे खुशखबरी हो बशारत हो फमा इल्मुन इल्ला वकद ओती तो फांत दुबाँ 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 दुबाँ। दुबाँ दुबाँ दुबाँ। पैदाश के वक्त अमीन आकर कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बशारत हो आज तक एक लाख और चौबीस हजार के लगभग अम्बीआ की राम को अल्लाह ताला ने जितनी खूबियां आजमतें और मौजात फर्दन फरदन अता किए थे अल्लाह ने वो सारे इकट्ठे करके तेरी एक जात में जमा कर दी। तो जितनी किस्म की खूबियां मुमकिन हो सकती हैं जितनी किस्म की अजमतें मुमकिन हो सकती हैं जितनी किस्म की फजीलतें अल्लाह ने एक लाख चौबीस हजार अंबिया को दी अल्लाह ने सारी की सारी इकट्ठी करके हमारे प्यारे नबी नबी आखिर जमान असलात वस्सलाम के अंदर जमा कर दी उसने यूसुफ दमे ईसा सा यद बैजहादारी फारसी का शायर कहता है नबी करीम तयत तस्रीम से पहले कहीं हुसन यूसुफ़ी के चर्चे थे दुनिया हुसन यूसुफ की बात करती थी दम ईसा कहीं ईसा आलाम के फूंक के चर्चे थे वो फूंक लगाते थे मुर्दा जिंदा हो जाता था कहीं यद बैजादारी के चर्चे थे ईसा आलाम हाथ बाहर निकालते थे वो चांद की तरह चमकने लगता था उसने यूसुफ दम ईसा यद बैजादारी आंच खूब हमादारंद तू तनहादारी ये सारी खूबियां उनमें फर्दन फरदन थी अल्लाह ने वो सारी जमा करके तेरी एक जात में जमा कर दी दिए मोजे सब अंबिया को खुदा ने दिए मोजे सब अंबिया को खुदा ने हमारा नबी मोजा बन गया मेरी इस तमहहीद का खुलासा ये है कि अल्लाह ने नबी आखिर सलातम को हर फील्ड में हमारे लिए नमूना बनाकर भेजा हर फील्ड में वो आइडियल हैं वो रोल मॉडल हैं मुझे मौजू ये दिया गया है कि मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करैक्टर, उनकी अजवाज मतहारत और बेटियों के बारे में बयान करूँ कि आपका करैक्टर अजवाज के साथ कैसा था और बेटियों के साथ कैसा मैंने माजी करीब में चार किताबें लिखी हैं एक है आइडियल हस्बैंड, दूसरी आइडियल वाइफ तीसरी प्यारे नबी की प्यारी बीवियां और चौथी प्यारे नबी की प्यारी बेटियाँ उनमें से दो शाय हो चुकी हैं दो अभी शायद नहीं हुई इन चारों किताबों के अंदर मैंने इस मौजू का अहाता किया हुआ है तफसील से वहाँ पढ़ सकते हैं मैं उनमें से सिर्फ एक एक मिसाल बयान करता हूँ चूंकि आठ बजे ख़त्म करना है बीवी के हवाले से नबी पाक का करैक्टर कैसा था सुनिए नबी पाक अलह तैयत व तस्लीम फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने अहल खाना के लिए बेहतर तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है तुम में मेरी बेटिया सुने अपने नबी का पैगाम हमारा नबी तुम्हारे हसबेंड को बता रहा है तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने अहले खाना के साथ बेहतर है और मैं अपने अहले खाना के लिए तुम सबसे बेहतर हूं तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवी से अच्छा सलूक करे और अपनी बीवी से अच्छा सलूक करने में मैं सबसे बेहतर हूं यह आपका फरमान है अब आपका अमल क्या है वो बताता हूं प्यारे नबी अले व तस्लीम ने 25 साल की उम्र में पहली शादी की शादी किसी वर्जिन से नहीं की एक विडो पंद्रह साल बड़ी हजरत खदीजतुल कुबरा रजील हजरत खदीजा की उम्र चालीस साल हमारे प्यारे नबी की उम्र पच्चीस साल पच्चीस साल एन जवानी की उम्र में शादी बेवा से क्यों हो रही है क्या कोई मजबूरी थी वो पूरे शहर के अंदर अमीन और सादिक मशहूर थे दुनिया उनके पास अमानत रखती थी वो किसी भी बाकिरा लड़की की तरफ इशारा करते वाले की खुशी की इंतहान रहती पंद्रह साल बड़ी खदीजतुल्कुब्रा रजी अल्लाह तसे विडो से शादी की और पूरे पच्चीस साल उस खातून के साथ गुजार जब हजरत खदीजतुलकुबरा का इंतकाल हुआ उनकी उम्र पैंसठ साल थी हमारे प्यारे नबी की उम्र चालीस साल थी पचास साल थी और मुहिकीन लिखते हैं पचपन साल की उम्र के बाद आम तौर पर औरत इस काबिल नहीं रहती कि उससे बच्चा पैदा हो इसका मतलब है कि दस साल ऐसे गुजर चुके हैं जिसमें खदीजतुल खुबरा उम्र रसीदा हो चुकी है मगर इसके बावजूद हमारे नबी के जेन में कभी दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया जब उनका इंतकाल हुआ फिर आपने आपकी बेटियां छोटी रह गई थी उनको संभालने के लिए क्योंकि आप तो सारा दिन बाहर तबलीग पर रहते थे बच्चियों को खाना कौन पका देता फातिमा जारा चंद सालों की थी आपने बच्चियों के तहफ के लिए हजरत सौदा से शादी की और चौवन साल की उम्र तक आपकी एक वक्त में एक ही बीवी रही फिफ्टी फोर ईयर ओल्ड ओनली वन at फाइट time। उसके बाद आपने तालीमी तबलीगी और सियासी मकासद के लिए और शादियां की है वगैरह शादियों की ये उम्र नहीं है ये तबलीगी तालीमी और सियासी मकासद के लिए शादियां की हैं, आखिरी उम्र में एक वक्त में नौ अजवाज आपके पास जमा थी कितनी नौ जिस घर में एक बीवी पर दूसरी शौकन आ जाए उसकी जिंदगी जहन्नम बन जाती है और सिर्फ उस सौकन की जिंदगी जहन्नम नहीं बनती उस हस्बैंड की जिंदगी भी जहन्नम बनती जहां दो आ जाए वहां नौ उम्रिफ्टी 54 से ऊपर मगर उन नौ खीन में से हर खातून ये समझती थी कि मेरा आइडियल कोई है मेरा रोल मॉडल कोई है तो वो मोहम्मद मुस्तफा हर औरत दो करके देखो और फिर उनसे पूछो कि वो हस्बैंड के बारे में क्या कहती है नौ नौहरा एक वक्त में और हर एक कहती है मेरा आइडियल ये है और साथ ये सिर्फ कहती नहीं है वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है जब आखिरी उम्र में आप बीमार हुए हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तलााना के हजरे में थे सारी आजवाज इकट्ठी होकर आई जब आपकी तबीयत ज्यादा खराब हुई नौ अजवाज चारों तरफ है दरमियान में मेरा और आपका आका बीमार तशरीफ फरमाए परेशान है बीविया हजरत सफिया कहती हैं अल्लाह मेरी उम्र मुस्तफ़ा को दे दे ये बीमारी मुझे दे दे ये मौत मुझे दे दे मेरी जिंदगी मुस्तफ़ा को दे दे ये बात हजरत सफिया ने कही आठ अजवाज बाकी वाली उसकी तरफ देखती है ये तो हमसे बाजी ले गई जब सब ने उसकी तरफ देखा मदीने वाले ने कहा क्या देख रही हो सफिया जुबान से नहीं कह रही ये दिल की गहराई से कह रही है ये वो सच्ची बात कह रही बीवियों के हवाले से मैं इसी बात पर इतफा करता हूं बेटी के हवाले से सुनिए मदीने वाला कहता है बेटियों को नापसंद ना पसंद न करो ये वो दौर था जब कुछ कबीले अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे उस दौर में मदीने वाले ने फरमाया बेटियों को नापसंद ना पसंद करो ये बहुत हमदर्द और मोहब्बत करने वाली होती इनके अंदर बाप की हमदर्दी और मोहब्बत होती है कूट कूट कर भरी हुई होती है फरमाया जो बाप अपनी बेटी को अच्छा इलम अच्छा अदब सिखाता है बालिग होने तक उसे रोटी कपड़ा और मकान मुहैया करता है क्या मत वाले दिन वो मेरे इतना करीब होगा जितनी मेरी हाथ की उंगलियां एक दूसरे के करीब ये आपका फरमान है अब आपका अमल देखिए हजरत आयशा रदी अल्लाह बयान करती है। जब सैद फातिमा तो जहरा तबी करीम तैयत व तस्लिम के पास आती तो नबी करीम जहा बैठे होते थे जिस चादर के ऊपर वहां से खड़े हो जाते अपनी बेटी के इस्तबाल के लिए तिरमजी की अदीश पढ़ रहा हूँ हजरत फातिमा आती आप उसको वेलकम करने के लिए खड़ी हो खड़े हो जाते कौन नबी आज कहते हैं बाप या उस्ताद आए तो खड़ा होना मनाए ये त्रिवेदी शरीफ की हदीस को कहा रखोगे नबी करीम का उस्ताद तो नहीं आ रहा नबी करीम का उस्ताद तो अल्लाह है। उनकी बेटी आ रही है वो उनके इस्तेकबाल में खड़े हो गए फिर खड़े होने पर बस नहीं किया उनके सर में बोसा दिया फिर बोसे पर बस नहीं किया कपड़े में जहां जिस कपड़े पर आप बैठे थे वहां उसको बिठाया और खुद साइड पे बैठ बेटी का इतना एहतराम किया कि पहले उसके इस्तेकबाल के लिए उठे फिर उनके सर को बोसा दिया और फिर उसके बाद उन्हें अपनी जगह पर बिठाया और हजरत आयशा अल्लाह बयान करती हैं जब नबी करीम तहत व तस्लीम हजरत फातिमा के घर जाते तो हजरत फातिमा उनके इस्तेबाल के लिए खड़ी हो जाती अगर बाप और उसाद के एहतराम में खड़ा होना मना है तो हजरत फातिमा को कौन जाकर समझाए फातिमा तुम्हार खड़ी होकर करती हैं। सिर्फ़ खड़ी होकर नहीं करती मदीने वाले के हाथ को बोसा देती वो तो महरम है के लिए बोसा ठीक नहीं है वो अपने बाप के हाथ को बोसा देती है और फिर जिस चादर पे खुद बैठी होती थी उस पर मुस्तफा को बिठाती थी और खुद किनारे पर बैठ जाती थी यह मोहब्बत के पहलू हैं लेकिन बैलेंस तब होगा जैसे इमाम आसिम ने बताया कि इसका एक और पहलू भी है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं इसका दूसरा पहलू यह है कि एक तरफ आप खड़े हो जाती हैं इस्ताल के लिए फिर उसके सर में बोसा देते हैं फिर अपनी जगह पे बिठाते हैं। लेकिन साथ ये भी फरमाते हैं अगर मेरी बेटी फातिमा चोरी करे वो जिसके लिए वो खड़े हो रहे हैं वो जिसकी मोहब्बत में उसका सर चूम रहे हैं वो जिसको अपनी जगह पे बिठा रहे हैं मगर इस्लाम के आमाल पर इतनी सख्ती है कहते हैं अगर यही मेरी बेटी चोरी करे तो मैं इस पर वही सजा लगाऊंगा जो इस्लाम ने चोर की सजा लगाई मैंने जो किताब लिखी है जिसकी तरफ इशारा किया है बख्तियार हैदर ने आई में ब्रिटिश मुस्लिम माई राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज पता है ब्रिटिश सिटीजन की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वक्त नहीं है कि मैं तफसील में जाऊं आप होम ऑफिस के वेबसाइट पे जाएं और वहां से कभी वो भी देखा करें कि ब्रिटिश सिटीजन की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है तीन रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं गो ऑन इंटरनेट एंड फाइंड आउट तीन रेस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश सिटीजन की नंबर वन ओबे द लो नंबर टू केयर फॉर योर चिल्ड्रन नंबर थ्री इनफॉर्म टू द रिपोर्ट टू द पुलिस इफ यू आर रिक्वायर्ड टू डू सो दीज आर ओनली थ्री रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए ब्रिटिश सिटीजन जो दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है केयर फॉर यूर चिल्ड्रन उसके आगे ब्रैकेट में लिखा हो फॉर एग्जाम्पल कि तुमने कैसे केयर करनी है फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि अंडर 16 बच्ची और बच्चे को कभी भी अडल्ट की सुपरविजन के बगैर अकेला नहीं छोड़ो ये ब्रिटिश सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये लॉ है अंडर 16 तुम्हारी बच्ची और बच्चा जब तक सेकेंडरी स्कूल में है छे घंटे वहां रहते हैं क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो एक मिनट के लिए भी अनसुपरवाइज होते हैं नो डिनर टाइम ब्रेक टाइम प्ले टाइम एनी टाइम दे आर सुपरवाइज एम आई राइट और रॉन्ग अंडर सिक्सटीन बच्ची और बच्चा एक मिनट के लिए अनसुपरवाइज स्कूल में नहीं छोड़े जाते बट वी डू आफ्टर स्कूल हम बच्चों के साथ क्या करते हैं? क्या हम भी उन्हें सुपरवाइज करते स्कूल के बाद हमारी ड्यूटी खत्म हो जाती है और फिर आजकल आईफोन लैपटॉप इंटरनेट हम जवान बच्ची और बच्चे को अपने कमरे में दे देते वो सारी रात कहां रहती है तुम्हारी बच्ची कहां रहता है तुम्हारा बच्चा बाहर वो बुराई नहीं है जो वहां अंदर है कानून कहता है अनसुपरवाइज नहीं छोड़ो और मदीने वाला क्या, क्या? ये कानून तो इन्होंने अब बनाया ना मदीने वाले ने 1400 साल पहले फरमाया मुस्लिम शरीफ की हदीस लातुर सूफा शकुम वसबियान कुमा गाबत शम्स फाइन न शयाती न तो बहसो ऐजा गाबत अपने जानवरों और बच्चों को जब सूरज गरूब हो जाए तो बाहर नहीं जाने दो क्यों बाहर शैतान सिफत उस तो वक़्त घूम रहे होते हैं वो तुम्हारे बच्चों को गुमराह करेंगे ब्रिटिश कानून कहता है अंडर सिक्सटीन को अनसुपरवाइज नहीं छोड़ो इस्लाम का लो कहता है मदीने वाला हुक्म देता है बच्चों को अनसुपरवाइज नहीं छोड़ो हम पूरी रात के लिए उसे अनसुपरवाइज उस बेहयाई के जंगल में छोड़ देते हैं और जब वो भाग जाती है कहते हैं पीरज़ादा साहब कोई तवीज दो बेटी भाग गई भाई तुमने ब्रिटिश कानून का भी परवाह नहीं की नबी करीम के हुक्म की भी परवाह नहीं की इसके बाद मेरा तवीज क्या असर करेगा आप कह सकते हैं पीरज़ादा साहब ये लेटेस्ट ईजाद है ये इंटरनेट हम नहीं रोक सकते ये जरूरत है इसमें बहुत अच्छी चीजें हैं ये हम कैसे रोके हम अपनी बच्चियों को नहीं रोक सकते हम अपने बच्चों को नहीं रोक सकते ये जरूरत है हां ऑर्नल टून बी स्कॉटिश मॉर्रिक लास्ट सदी का है वो क्या कहता है सिविलाइजेशन डिक्लाइंड वेन देर लीडर्स स्टप्ड रेस्पोंडिंग क्रिएटिवली तहजीबें उस वक्त जवाल पजीर होती हैं जब उनके लीडर नए मसाइल का नया हल पेश नहीं करते अब मसला इंटरनेट का नया है ये कुरान हदीस के जमाने का नहीं है ये अभी आया है ये न्यू मसला है बाहसी मस्त लीडर मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें बताऊं कि इसका हल क्या है हमारा प्राइम मिनिस्टर पूरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरून पता है उसने क्या कहा तीन चार महीने पहले कहता है मुझे समझ नहीं आती मैं अपनी बच्चियों को इंटरनेट से कैसे बचाऊं प्राइम मिनिस्टर कह रहा है वो भी समझता है ये ठीक नहीं है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कह रहा है मैं कैसे बचाऊं डेविड कैमरून साहब मैं तुम्हें बताता हूं तुम कैसे बचा सकते हो मैं उसका हल बताता हूं उसका हल यह है जब अंडर सिक्सटीन बच्ची और बच्चा स्कूल से आए तुम उसे कहो बेटा बेटी यह नई इजाद है इंटरनेट यह जरूरत है इसमें तेरे स्कूल का काम है इसमें बड़ी अच्छी चीजें हैं तू चार बजे से लेकर शाम नौ बजे तक इंटरनेट इस्तेमाल कर सकती है मगर सिटिंग रूम में जहां कभी मां भी गुजरती है कभी बाप भी गुजरता है तुम उसे कहो बेटा तुम तो चार बजे से लेकर नौ बजे तक इंटरनेट देख सकते हो देख सकती हो मगर सिटिंग रूम में वहां वो कोई गंदी पिक्चर नहीं निकाल सकेगी उसे पता है अभी इधर से माँ ना गुजर जाए अभी इधर से बाप ना आ जाए वो पांच घंटे देखने की रोजाना उसे इजाजत दे दो लेकिन उसे कहो बेटा ये चार से लेकर नौ तक तो तुम देख सकते हो लेकिन तुम्हारे कमरे में ना मेरा ब्रिटिश कानून इजाजत देता है ना मेरा नबी इजाजत देता ज्यादा तो बंद कमरे में ये नहीं ले जा सकता ये है इसका हल कि यह जरूरत जरूर है मगर इसका हल ये है कि रोजाना पांच घंटे उसे दो के तुम देख सकती हो तुम देख सकते हो मगर सिटिंग रूम में लेकिन तुम अपने बंद कमरे में नहीं देख सकती इज इट रीजनेबल क्या ये आपके दिल को अपील करती है दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी विद इन फाइव मिनट एम गोइंग टू कंक्लूड Report to the police if you are required to do so. हमें पता है हमारे बच्चे के पास BMW कहाँ से आई है उससे बड़ी का क्या नाम है Ferrari. हम जानते हैं हमारा बेटा कोई काम नहीं करता कोई बिजनेस नहीं करता कोई उसका टेक अवे नहीं है ये फरारी कहां से आई जानते हैं आप ऐसे लोगों का ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे ला रहे हैं और उन्हें पता है ये पैसा कहां से आया है उन्हें पता है यह बी एमडब्ल्यू कहां से आई है यह मुनुष्यात से आई है यह हराम खोरी से आई है यह टैक्स चोरी से आई है रात के एक बजे अगर कोई शख्स बीमार हो जाए या उसके घर में आग लग जाए या उसके घर डाकू आ जाए वो ट्रिपल नाइन अगर घुमाए तो विद इन फाइव मिनट पुलिस तुम्हारी हेल्प के लिए तुम्हारे दरवाजे पर एम्बुलेंस तुम्हारे दरवाजे पर डॉक्टर तुम्हारे दरवाजे पर फायर ब्रिगेड तुम्हारे दरवाजे पर वो ये नहीं देखेंगे कि फोन करने वाला मुसलमान आए या ईसाई एम आई राइट और रॉन्ग जो हुकूमत जो मुल्क रात के एक बजे तुम्हारी मदद के लिए पहुंचता है रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन क्या हमें इंसानियत इजाजत देती है कि हम उनके साथ धोखा करें हम उनका टैक्स खाएं हम उनके कानून शिक नहीं करें कुछ अकल से काम लो वो हुकूमत जो हमारे मुहाफिज है रात के एक बजे हमारी मदद को पहुंचती है हमें पता है हमारा बेटा उस मुल्क के कानून को तोड़कर फरारी ले रहा है हमारा फर्ज क्या बनता है हमारा फर्ज यह है कि हम उस बेटे से बात करें बेटा ये बात गलत है तुम कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हो तुम टैक्स चोरी कर रहे हो तुम मुनशियात फिरोख कर रहे हो ये छोड़ दो नहीं तो मैं पुलिस को बताता हूं अगर वो छोड़ दे तो गुड है। अगर वो नहीं छोड़े और आप पुलिस को ना बताएं तो इसमें नुकसान किसका है तुम्हारा नुकसान है वो एक दिन तो पकड़ा जाएगा ना जब पकड़ा जाएगा तो सारी उम्र फिर तुम अठारह साल उसकी जेल में ज्यारत करते रहोगे एक तो तुम खुद परेशान हो गए अठारह साल और दूसरा इस्लाम बदनाम होगा अखबार में आएगा फुला मुसलमान को अठारह साल जेल एक तरफ इस्लाम बदनाम होगा एक तरफ तुम खुद परेशान होगे। इससे बेहतर नहीं है कि तुम पुलिस को बता दो ताकि वो फौरन उसे रोक दें और तुम्हें उसको प्रिजन में ना जाना पड़े और तुम्हें उसकी मुलाकात के लिए ना जाना पड़े लेकिन इसके बावजूद अगर कोई मुसलमान अपनी बेटी की फरारी देखकर अपने बेटे कि बीएमडब्ल्यू देखकर पुलिस को नहीं बताता उसका मुस्तफा से क्या ताल्लुक है हमारा नबी कहता है मेरी बेटी चोरी करे तेरी बेटी फातिमा तो जारा से ज्यादा मुकद्दस है तेरा बेटा फातिमा तो जारा से ज्यादा इज्जत वाला है हमारा नबी कहता है मेरी बेटी अगर गलत करेगी मैं उसे कानून के हवाले करूंगा अगर हमारा बेटा हमारी बेटी गलत कर रही है तो मदीने वाले का गुलाम वही है या उसे रोक या उसे कानून के हवाले करें। अंग्रेज क्या कहते हैं ईविल प्रिवेल्स बुराई फैलती है ईवेल प्रिवेल्स when good people fail to act burai us hai jab good people kaam karte last proverb the world is a dangerous place to live the world is a dangerous place to live not because of the people who are evil

पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी चाहिए और अगर वो शर्म फील करता है तो वो अपने महबी लीडर को मिले और मजहबी लीडर को उसमें इन्वॉल्व करें